शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेती हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफर की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनों, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हां, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सामाल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम बोहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं? और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। यह निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रिजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं, और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हां, अगर उनके साथ तुमने खलवत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है, और इन मुहर्रमात के सिवा दूसरी औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो, न कि शहवत परस्ती। तो जिन औरतों से तुम लुत्फ अंदोज हुए उनका मेहर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रिजामंदी से मेहर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुना नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन बांधियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हमजिंस हो, फिर उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो, और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो, बशर्ते के वो पाक दामन हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें तो जो सजा आजाद औरतों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये बांधी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और ये बात के सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रस्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान तबान कमजोर पैदा हुआ है। मोमिनों, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हां, अगर आपस की रिजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है, और अपने आप को हलाक ना करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो ज्यादती करते हुए और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह को आसान है।
अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और अल्लाह से उसका फजल व करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है और जो माल मां बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे तो हकदारों में तकसीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। बेशक अल्लाह हर चीज पर निगरान है। मर्द औरतों पर हाकिम है इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास से अफजल बनाया है और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीबियां हैं वो फर्माबरदार होती हैं और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल व आबरू की खबरदारी करती हैं और जिन औरतों की नस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको जबानी समझाओ, अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर उस पर भी बाज ना आए तो जदोकोब करो, फिर अगर तुम्हारा कहना मान लें तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह बहुत ऊंचा है बड़ा है। और अगर तुम लोगों को मालूम हो कि मियां बीवी में अनबन है तो एक मुनसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुनसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो, वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुवाफिकत पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब बातों से खबरदार है। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों सबके साथ हुस्न सुलूक करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं। और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें। और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को। और ईमान न अल्लाह पर लाएं न रोजे आखिर पर। और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और अगर ये लोग अल्लाह पर और रोजे कयामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने इनको दिया था उसमें से खर्च करते तो इन पर क्या मुसीबत आ पड़ती। और अल्लाह इनको खूब जानता है। अल्लाह किसी की जर्रा भर भी हक तल्फी नहीं करता। और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का हाल बताने को बतौर गवाह तलब करेंगे। उस रोज काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उनको धसा कर जमीन बराबर कर दी जाती और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मोमिनो जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने न लगो नमाज के पास न जाओ और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास न जाओ यहां तक कि गुस्ल कर लो। हां अगर बहालत सफर रस्ते चले जा रहे हो और पानी न मिलने के सबब गुस्ल न कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथों का मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है बख्शने वाला है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रस्ते से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है और अल्लाह ही काफी कारसाज है और अल्लाह ही काफी मददगार है। और ये जो यहूदी हैं इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किताबुल्लाह के कलेमात को उनके मकामात से हटा देती हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना और कहते हैं सुनो न सुनवाए जाओ और जबान को मरोड़ कर और दीन में तान की राह से तुमसे गुफ्तगू के वक्त राइना कहती हैं। और अगर यूं कहते कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ इस माओ और राइना की जगह उनजुरना कहते
तो उनके हक में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त होती, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाती हैं। ऐ किताब वालों, कबल इसके कि हम कुछ चेहरों को मिटा दें और फिर उनकी पीठ की तरफ फेर दें या उन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर लानत की थी हमारी नाजिल फरमाई हुई किताब पर, जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है, ईमान ले आओ। और अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बोहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीजा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीजा करता है और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं और यही खुला गुनाह काफी है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रस्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार न पाओगे। क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? उस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी न देंगे। या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम को किताब और दानाई अता फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी, फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका रहा, तो उन न मानने वालों के लिए दोजख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे, जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहां उनके लिए पाक बीबियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। फिर अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाके हो तो अगर अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका अंजाम भी अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं और चाहते ये हैं कि अपना मुकदमा अल्लाह के बागी के पास ले जाकर फैसल कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उसको न माने, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहका कर रस्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे गुरेज करते और रुके जाते हैं। फिर कैसी नदामत की बात है कि जब उनके आमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाकई होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मुसालहत था। इन लोगों के दिलों में जो जो कुछ है अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल ना करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाए। और हमने जो पैगंबर भी भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और पैगंबर भी उनके लिए बख्शिश तलब करते तो अल्लाह को मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान पाते। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाजुआत में तुम्हें मुनसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी ना हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। और अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो इनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते। और अगर ये उस नसीहत पर कारबंद होते जो इनको की जाती है तो इनके हक में बेहतर
और दीन में ज्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और उस सूरत में हम इनको अपने हाथ से अजर अजीम भी अदा फरमाते और इनको सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो कयामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन, और उन लोगों की रिफाकत बहुत ही खूब है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला काफी है। मोमिनों, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि खामखा देर लगाता है और पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में उसमें दोस्ती थी ही नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। अब जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें, और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमजोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले यह हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और जकात देते रहो, फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ऐ अल्लाह तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी। ऐ पैगंबर इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐ जिहाद से डरने वालों तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, खा मजबूत कलों में रहो। और इन लोगों को अगर कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो ऐ पैगंबर तुमसे कहते हैं कि ये आपकी वजह से हमें पहुंची है। कह दो कि रंजुराहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है कि बात भी नहीं समझ सकते। ऐ आदमजाद तुझको जो फायदा पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है और जो नुकसान पहुंचे वो तेरी ही शामत आमाल की वजह से है। और ऐ नबी हमने तुमको लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है और इस बात का अल्लाह ही गवाह काफी है। जो शख्स रसूल की फरमाबरदारी करता है तो बेशक उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, और जो नाफरमानी करे तो ऐ पैगंबर तुम्हें हमने उनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग मुंह से तो कहते हैं कि आपकी फरमाबरदारी दिल से मंजूर है, मगर जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो इनमें से बाज लोग रात को तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं, और जो मशवरे ये करते हैं अल्लाह उनको लिख लेता है। सो इनका कुछ ख्याल ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह ही काफी कारसाज है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें वो बहुत सा इख्तिलाफ पाते, और जब इनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो उसे मशहूर कर देती हैं। हालांकि अगर उसको पैगंबर और अपने जिम्मेदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी तहकीक कर लेते, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब शैतान के पैरा हो जाते। सो ऐ पैगंबर अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं हो, और मोमिनों को भी तरगीब दो, करीब है कि अल्लाह काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे, और अल्लाह शदीद तरीन जंग करने वाला है और सजा देने के लिहाज से भी बहुत सख्त है। जो शख्स नेक बात की सिफारिश करे तो उसको उसके सवाब में से हिस्सा मिलेगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करे उसको उसके अजाब में से हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है।
और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलेमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो, बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो कयामत के दिन तुम सबको जरूर जमा करेगा, और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन होगा। अब क्या सबब है कि मुसलमानों तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह बन गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनको उनके करतूतों के सबब औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को अल्लाह ने गुमराह रहने दिया है उसको रस्ते पर ले आओ, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तुम उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं उसी तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ। तो जब तक वो अल्लाह की राह में वतन न छोड़ जाएं, उनमें से किसी को दोस्त न बनाना। अगर तर्क वतन को कबूल न करें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न बनाओ। मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से भिंच रहे हों, तुम्हारे पास आ जाएं तो और बात है, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे जरूर लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा कशी करें यानी तुमसे न लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की। तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाएं तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़ें। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी न करें और न तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और न अपने हाथों को रोकें, तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और इन्हीं लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हें खुली छूट दे दी है। और किसी मोमिन को शाया नहीं कि दूसरे मोमिन को मार डाले मगर गलती से ऐसा कर बैठे, और जो गलती से भी मोमिन को मार डाले तो वो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और मकतूल के वारिसों को खून बहा भी दे, मगर ये कि वो माफ कर दे। फिर अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए, और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो वारिसान मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए, और जिसको यह मुयस्सर न हो वो मुतवातिर दो महीने के रोजे रखे। यह कफारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनों, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, कि उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। सो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, चुनाचे आइंदा तहकीक कर लिया करो। बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सबकी खबर है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले, दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है, और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ो नातवां थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोजख है, और वो बुरी जगह है लौटने की। हां, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि न तो कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ता ही जानते हैं, तो करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ कर दे, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है।
और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो जमीन में बहुत सी रहने की जगह और कुशाइश पाएगा, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो चुका, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है बड़ा मेहरबान है। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुना नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते के तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और इनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे, जब वो सजदा कर चुके तो तुमसे पीछे चले जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम जरा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ कि तुम पर यकबारगी हमला कर दें, और अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ में हो या बीमार हो तो तुम पर कुछ गुना नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर अपना बचाव जरूर कर रखो। अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो, फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है, और इन कुफार का पीछा करने में सुस्ती ना करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो उसी तरह वो भी बेआराम होती हैं, और तुम तो अल्लाह से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह सब कुछ जानता है बड़ी हिकमत वाला है। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकदमात फैसल करो, और देखो दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है बड़ा मेहरबान है। और जो लोग अपने हम जिनसों की खयानत करते हैं उनकी तरफ से बहस न करना, क्योंकि अल्लाह दगाबाज और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि जब ये रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो वो इनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह इनके तमाम कामों का इहाता किए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो इनकी तरफ से बहस कर लेते हो, सो कयामत के दिन इनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा और कौन इनका वकील बनेगा? और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे लेकिन उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर डाल दे तो उसने बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और ऐ नबी, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो इनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कष्ट कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे, और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। इन लोगों की बहुत सी सरगोशियां अच्छी नहीं, हां उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे, और कयामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुना को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुना जिसको चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रस्ते से दूर जा पड़ा। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकश ही को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है, और वो अल्लाह से कहने लगा मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवा कर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा, और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और यह सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और उन्हें समझाता रहूंगा तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे,
और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है।